हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद सिंह। स्वागत है आपके अपने चैनल आजमगढ़ लव बर्ड में। आज की टॉपिक है हैंड फीडिंग कैसे करवाएं, हैंड टेम में उठाए गए बच्चों को लूज मोशन क्यों लग जाते हैं, बच्चों की हाजमे के लिए ग्राइप वाटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ओमेटिंग इश्यू, बर्ड्स के बच्चों में होने वाली बीमारियाँ को कैसे ठीक करें। सर्वप्रथम बात करते हैं कि जिस बेबी को हैंड टेम के लिए आप उठाए हैं वो कितने दिन का है और उसको फीड कैसे करवाएं, फीड कैसे बनाएं और फीड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ज़्यादा सूखी फीड नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो बच्चों की पोट जाम हो जाती है और बच्चा एक्सपायर कर जाता है। हल्की फीड बनाने से और फीड खिलाने से बच्चों की होने वाली पोटी गीली होती है। हम लोग समझते हैं कि बच्चों को लूज मोशन हुआ है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि बेबी बर्ड्स जैसा खाएगा वैसा ही ड्रॉपिंग करेगा। अब बात करते हैं कि फीड कैसे बनाएं। एक हफ्ते से कम बच्चों के लिए एक चम्मच फीड के साथ 5 से 6 चम्मच पानी मिला के बनाएं और 1 से 2 हफ्ते के बच्चे के लिए 1 चम्मच फीड के साथ 4 से 5 चम्मच पानी मिलाकर फीड बनाएं। 2 हफ्ते या उससे ऊपर के बच्चों की आवश्यकता अनुसार पानी और फीड मिलाकर बनाएं। बस ध्यान ये दें कि एकदम से सूखी फीड ना हो, नहीं तो उनका पोट जाम हो जाएगा। फीड के टेम्परेचर का अवश्य ध्यान दें। गर्म पानी में फीड को अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा नम गर्म हो तब बच्चों को खिलाएं। ठंडी फीड खिलाने से बच्चों में हाजमे की प्रॉब्लम हो जाती है। वीडियो में जो आप फीड देख रहे हैं वो भुने हुए चने का सत्तू है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी फीड मिलते हैं। अगर आपको अच्छी फीड ना मिले तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सस्ती फीड के लिए आप भुने हुए चने का सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बच्चे भी अच्छी तरह ग्रो करते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान दें, जिस फीड में दूध मिला हो वो फीड बिल्कुल ना खिलाएं। दूध बर्ड्स के हाजमे के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। दूध मिली फीड खिलाने से बच्चे तो बच जाते हैं पर उनकी एक्टिविटी और ग्रोथ सही नहीं हो पाता। बात करते हैं कि बच्चों की फीड कैसे कराया जाए। आप ध्यान दें कि फीड उनके सांस नली के अंदर न जाए, नहीं तो बच्चे 1-2 दिन बाद एक्सपायर कर जाते हैं। फीड हमें सीधे न करवा कर तिरछे दाएँ तरफ से बाएँ तरफ की ओर करानी चाहिए। सिरिंज को धीरे धीरे दबाना चाहिए ताकि बच्चा फीड आसानी से ले सके। दिन में 2 से 3 बार फीड कराएं, रात में करीब 8 बजे फीड कराकर छोड़ दें और रात में फीड न कराएं, बाकी सुबह 7 बजे के आसपास फीड कराएं। अब बात करते हैं कि बच्चों की हाजमा कैसे ठीक रखें। जब आप फीड बनाते हैं तो दिन में 1 बार ग्रीप वाटर फिगर में दिख रहा होगा जो ह्यूमन मेडिकल पे आसानी से मिल जाता है, लगभग 40 से 50 रुपए में। उसकी 3-4 बूंद फीड में मिला दें जिससे बर्ड का हाजमा बहुत अच्छा रहता है। यदि आपको लगे कि बच्चे लूज मोशन कर रहे हैं तो उनके फीड में 1 से 2 बूंद नियोपेप्टीन या लीवर टॉनिक मिलाकर दे दें, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। किसी और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।